हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है महिंद्रास के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लोग यहाँ पर जो करंट अफेयर का सेशन है वहाँ पे क्या क्या डिस्कस करेंगे, क्या क्या चीज़ें होंगी, कैसे एमसीक्यूज होंगे, वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो पहली चीज़ तो ये, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ओके, गुड मॉर्निंग। अब फटाफट से आपको पहला काम क्या करना है, जल्दी से जो लिंक है इसको शेयर करना शुरू कर दो ताकि मैक्सिमम लोग हम लोग के साथ कनेक्ट हो पाए। अब यहाँ पे जो सेशन चलेगा वहां पर हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सी नेशनल न्यूजेस हैं, इंटरनेशनल और स्पोर्ट्स की न्यूज। अगर हम नेशनल में बात करें तो आपको मालूम ही होगा कि जम्मू कश्मीर वाला जो इशू है उस पर भी अभी कहीं ना कहीं कोई ना कोई जो न्यूज है वो बनकर निकल कर आ रही है। हम लोगों ने कुछ ऑपरेशन थे उनके बारे में बात करी, कुछ यहाँ पे मिशन शुरू किए गए आर्मी के द्वारा उसके बारे में बात करी। अब कल की अगर बात करें तो कुछ जगह ऐसी थी जहां से पूरी तरीके से जो कर्फ्यू लगा हुआ था वो हटाया गया। ठीक है, दूसरी चीज यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट लाइमलाइट में आई, यहाँ पे कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स आए जिसमें बोला गया कि इंडिया की जो जीडीपी है वो 10% ग्रोथ कभी भी गेन नहीं कर पाएगी, क्योंकि इंडिया के पास जो नॉर्म्स हैं, जो प्रोविजंस हैं, वो उस तरीके के नहीं है कि भारत का जो जीडीपी है वो 10% को क्रॉस कर पाए। तो साथ में अब हम ये भी देखेंगे किस तरीके से जो नेशनल न्यूज है उसको हमें इंटरनेशनल न्यूज से कनेक्ट करना है और उन्हीं सारी न्यूजेस को यहाँ पर कंपाइल फॉर्म में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले फटाफट यहाँ पे लोग जुड़ना शुरू हो गए हैं तो जल्दी जल्दी लिंक शेयर करो। लिंक शेयर करें, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना होता है। अब देखो, सबसे पहला यहाँ पर एक आपके लिए मोटिवेशनल थॉट, क्योंकि कुछ लोगों की आज से यहाँ पे डिमांड थी, तो यहाँ पर अब आके देखिए इसके बारे में क्या कहा जा रहा है। नेल्सन मंडेला, इनकी अगर बात करें तो कौन सा ऐसा कंट्री होगा जो इनका नाम से वाकिफ नहीं होगा, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि महात्मा गांधी के बाद अगर हम देखें तो इनके जो थॉट्स होते हैं वो भी कुछ ना कहीं महात्मा गांधी से ही प्रेरित होते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है थॉट, आई नेवर लूज, आई इधर विन और लर्न। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप किसी भी मिशन में लग जाते हैं, चाहे वो आपके एग्जाम की रेस हो या फिर कोई भी मिशन यहाँ पर हो, तो कभी भी आप अपने आप को लूजर मत समझिएगा, क्योंकि अगर आप किसी भी रेस में दौड़ रहे हैं तो या तो आप जीतोगे या फिर उस रेस से कुछ ना कुछ आप यहाँ पर सीख के ही जाओगे। तो यहाँ पर नेल्सन मंडेला की अगर बात करें तो अगर हम देखें यहाँ तो आपको ये मालूम होगा कि अगर 18 जुलाई की बात करें तो यहाँ पर नेल्सन मंडेला डे के रूप में इसको सेलिब्रेट भी किया जाता है, यानी कि जो लास्ट वाला भी मंथ गया है वहां पे 18 जुलाई को यहाँ पर सेलिब्रेट किया गया नेल्सन मंडेला डे, राइट। तो इनका ये जो थॉट है बस इसी से प्रेरित होकर हम लोग अपने सेशन की शुरुआत करते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए यहाँ पर दो दो बैनर्स हैं। सबसे पहला तो यहाँ पर यह है कि आज सुबह 10 बजे का जो सेशन चलेगा यूट्यूब पे, वहां पर आपके लिए कुछ बड़ा धमाका यहाँ पर लेकर आने वाले हैं हम लोग। दूसरी चीज, यहाँ पर आपको 3 बड़े अनाउंसमेंट सुनने को मिलेंगे। अब ये अनाउंसमेंट्स क्या क्या होंगे उन सब चीजों के लिए बिल्कुल लाइव रहिएगा सुबह 10 बजे, आज की तारीख की बात हो रही है, आज ही सुबह 10 बजे। दूसरी चीज यहाँ पे देखो, अब जैसे कि आप लोग हमेशा लिंक को यहाँ शेयर करते हो, हम लोग के लिए इतना करते हो, सेशन को लाइक भी करते हो, तो अब अगर आप यहाँ पर अगर इनमें से किसी भी पैकेज को अवेल करते हो, जिसमें से पहला है ऑल इन वन स्पीड टेस्ट, दूसरा है यहाँ पे स्पीड टेस्ट, उसके बाद वीडियो गुरु के कोर्सेज, और अगर आप इनमें से किसी भी कोर्स को अवेल करना चाहते हो तो यहाँ पर एक प्रोमो कोड है मेरा जिसको आप यूज करके कितना परसेंट यहाँ पे फ्लैट ऑफ मिल रहा है, 25% का यहाँ फ्लैट ऑफ आपको मिल सकता है। तो प्लीज इस यहाँ पे पैकेज को फटाफट से अवेल करो। तो उम्मीद कर रहे हैं कि मैक्सिमम लोग यहाँ पे जुड़ना शुरू हो गए हैं। तो अब जरा हम लोग आ जाते हैं एमसीक्यू के सेशन पे। एमसीक्यू के सेशन का सबसे पहला जो यहाँ पे सवाल देखने को मिल रहा है वो क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन, काजन सारा लेक इज लोकेटेड इन विच कंट्री। काजन सारा जो झील है वो कौन से देश में स्थित है। तो अब देखो यहाँ पे आपके सामने 5 ऑप्शंस हैं, इंडिया, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान या फिर साउथ अमेरिका। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो पहले तो ये जान लो कि जो काजन सारा लेक है इसको डिक्लेयर किया गया है कि ये पूरे वर्ल्ड की, पूरे विश्व की सबसे ऊंची झील के रूप में यहाँ पे खोज करी गई है इसकी। सेकेंडली, अगर हम इसकी यहाँ पे हाइट की बात करें तो करीबन 4000 यहाँ पे मीटर इसकी हाइट है। और यहाँ पे जो तीसरा पॉइंट मैंने आपको बताया था वो ये था कि लेक टिटिकाका जो है, जो आपको देखने को मिलती है कहाँ पर, साउथ अमेरिका में, अभी तक यही झील थी जिसको वर्ल्ड की हाईएस्ट लेक के रूप में जाना जाता था। तो अगर इसके आंसर की बात करें तो आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर यहाँ से होगा नेपाल, राइट। तो ये सबसे पहला पॉइंट है जो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि ये जो झील है ये कहाँ पर है, तो आंसर क्या हो जाएगा, नेपाल हो जाएगा। सेकेंडली, इंडिया की बात आएगी तो देखो इंडिया से आपको ध्यान रखना है क्या, सबसे पहले चिल्का झील का नाम याद रखना है क्योंकि एशिया की सबसे बड़ी सॉल्टी वाटर लेक है। सेकेंडली, अगर हम बात करते हैं दूसरी झील की इंडिया से तो कौन सी हो जाएगी, वुलर, उसके बाद डल, और आखिरी में अगर हम बात करें तो यहाँ पर पेरियार रिवर के पास में एक झील है जिसका नाम है वेम्बानंद लेक।
ये कुछ यहाँ पे चार झीलों के नाम हैं जो हमेशा आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। बहुत सारे हैं, पुलिकट भी है, कुलेरु भी है, बहुत सारी हैं, बट ये वो हैं जो अक्सर न्यूज़ में रहती हैं, तो ये आपको मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट देखो, साउथ अमेरिका लिखा हुआ है ना, तो साउथ अमेरिका की कौन सी वाली लेक है जो अभी तक हाईएस्ट थी, तो आंसर हो जाएगा लेक टिटिकाका। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। अब देखो यहाँ पे कुछ लेक्स हैं वर्ल्ड की जो इंपॉर्टेंट है, एक बार आपको रिवाइज कराते थे। सबसे पहले यहाँ पर लेक बैकाल जो आपको मिलेगी यूरोप में। नेक्स्ट देखो लेक आयर, लेक आयर है ऑस्ट्रेलिया में और इसको बोला जाता है लोवेस्ट पॉइंट या फिर डीपेस्ट पॉइंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, यानी कि ऑस्ट्रेलिया का जो डीपेस्ट पॉइंट है या फिर निम्न बिंदु जो है वो कौन सा है, लेक आयर है। नेक्स्ट देखो लेक विक्टोरिया, अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है कौन सी, लेक विक्टोरिया। नेक्स्ट है यहाँ पे लेक चार्ड, लेक चार्ड की बात करें तो ये जो सहारा मरुस्थल है ना, सहारा डेजर्ट है, वहां पर आपको एक लौती झील देखने को मिलती है जिसका नाम है यहाँ पर लेक चार्ड। नेक्स्ट पे आ जाते हैं तो यहाँ पर है ग्रेट लेक, और इस जगह पर आपको पांच झीलें देखने को मिलती हैं, और ये पांचों की पांचों झीलें कैसी हैं, फ्रेश वाटर हैं या फिर साफ पानी की झीलें हैं। सिल लेक सुपीरियर हो गया, मिचिगन हो गया, हरुन हो गया, एरी एंड ओंटेरियो, तो ये जो लेक्स हैं, और ये देखो लेक टिटिकाका, राइट। तो ये सारी लेक्स आपको यहाँ पर मालूम होनी चाहिए, आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछी जाती हैं लेक्स। अगला सवाल देखते हैं यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन नंबर टू यहाँ पर क्या कह रहा है। क्वेश्चन टू है, व्हाट इज द रिवाइज्ड मिनिमम पीरियड ऑफ चाइल्ड केयर लीव फॉर द फीमेल एंड सिंगल मेल सर्विस ऑफिसर वर्किंग इन डिफेंस सेक्टर। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि अगर मान लो कोई भी महिला है या फिर यहाँ पे कोई भी मेल है, पुरुष है, अगर वो डिफेंस सेक्टर में काम करता है तो बच्चे की यहाँ पर केयर करने के लिए उसको कितने दिन की छुट्टी दी जा सकती है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 5 days। अब अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर राजनाथ सिंह ने यहाँ पे ये डिक्लेयर किया है कि पहले जो छुट्टी दी जाती थी वो होती थी कितने दिन की, 15 days की, अब इसको कम कर दिया और कितना कर दिया है, इसको 5 दिन कर दिया है। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि पहले कितना था अब कितना है। सेकेंडली, पहले जो यहाँ छुट्टी मिलती थी वो सिर्फ महिलाओं को मिलती थी, लेकिन अब देखो यहाँ पर अगर वो सिंगल मेल भी है या फिर मेन भी है तो भी उसको यहाँ पर 5 दिन की छुट्टी मिलेगी। बात समझ में आ रही है, तो ये वाला पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि डिक्लेयर किसने किया है, पहले कितनी थी और पहले सिर्फ किसको मिलती थी। यहाँ तक समझ में आ रहा है ना सबको, कोई डाउट तो नहीं है, अगर कोई डाउट हो तो फटाफट से कमेंट सेक्शन में बोलते जाइएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट पे आते हैं, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर थ्री। क्वेश्चन थ्री जो है वो थोड़ा ध्यान से सुनना क्योंकि ये थोड़ा इंटरनेशनली हो जाता है। सवाल ये है कि विच कंट्री हैज डिसाइडेड टू सेटअप अ ज्वाइंट टेक्निकल कमिटी फॉर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ गंगा वाटर विद इंडिया। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो गंगा जल के यहाँ पे उपयोग के लिए एक संयुक्त तकनीकी समिति गठित करी गई है। अब आपको ये बताना है कि कौन से देश के साथ, या फिर हम ये कह सकते हैं कि कौन सी कंट्री यहाँ पर है जिसने ऐसा किया है, तो आंसर क्या होगा, इसका आंसर है बांग्लादेश। अब देखो इंडिया की बात करें तो आपको मालूम ही है कि जो गंगा रिवर है वो इंडिया से ही ओरिजिनेट होती है, इंडिया से ही निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाके ये गिरती है और वहाँ पे ये डेल्टा बनाती है जिसका नाम क्या है, सुंदरबन डेल्टा है। लेकिन आपको यहाँ पे ये मालूम होना चाहिए कि गंगा अकेले डेल्टा नहीं बनाती है, कौन सी रिवर साथ में मिलती है, ब्रह्मपुत्र मिलती है। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलकर जो डेल्टा बनाते हैं उसका नाम क्या है, यहाँ पर सुंदरबन डेल्टा। कहाँ पर डेल्टा बन रहा है, बंगाल की खाड़ी में, बे ऑफ बंगाल में बन रहा है। अब इम्पॉर्टेंट यहाँ पे ये है कि बांग्लादेश जो है वो गंगा का जो पानी है, जो वाटर है, उसको यहाँ पर यूज़ करेगा। अब अगर यहाँ पे इसकी बात आई है तो ऑब्वियस सी चीज़ है कि यहाँ पर इंडिया और बांग्लादेश के बीच में कोई ट्रीटी भी तो हुई होगी, तभी तो इंडिया अलाउ करेगा, ऐसे ही थोड़ी ना सबको बोल देगा कि जाइए और जाके वाटर यूज़ कर लीजिए। अब देखो यहाँ पे एग्रीमेंट साइन हुआ था इंडिया बांग्लादेश में, कौन से ईयर में, 1996 में, तो जिसके चलते यहाँ पर अब बांग्लादेश इसको यूज़ करेगा। सेकेंडली, तीस्ता रिवर, उम्मीद करते हैं सबने इसका नाम सुना होगा, कई बार मैंने ये नाम लिया है। तीस्ता रिवर की अगर हम बात करते हैं तो ये वो नदी है जो कि इंडिया और बांग्लादेश के बीच में विवादित है, डिस्प्यूटेड है। इंडिया की तरफ से अगर हम देखें तो ये वेस्ट बंगाल और सिक्किम से क्रॉस करेगी और यहाँ बांग्लादेश में ये आके जुड़ जाती है। अब पॉइंट ये है कि इसके लिए अभी तक कोई भी संधि, कोई भी एग्रीमेंट दोनों देशों के बीच में नहीं हुआ है। अब एग्रीमेंट की बात आई है तो एक और एग्रीमेंट, सिंधु नदी जो है, इंडस वाटर जो है, उसके ऊपर यहाँ पर एक एग्रीमेंट साइन हुआ था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, कौन से ईयर में, 1960। अब आपके लिए होमवर्क यहाँ पर ये है, सबसे पहले होमवर्क सुन लो कि जो सिंधु नदी है उसकी कौन कौन सी सहायक नदियाँ हैं, पांच हैं मेजर, जो पांच हैं उन पांचों के नाम आपको बताने हैं कमेंट सेक्शन में। दूसरा होमवर्क आपके लिए ये है यहाँ पर कि इंडस वाटर ट्रीटी जो 1960 में करी गई थी उसको यहाँ पर किसके द्वारा कराया गया था, यानी कि इसका जो मीडिएटर था वो कौन था, वो यहाँ पर आपको आंसर करना है, ठीक है ना। ये हो गया आपका होमवर्क के लिए। अब देखो म्यांमार की बात आई है तो डिफेंस सेक्टर में इंडिया और म्यांमार के बीच में अभी कुछ टाइम पहले कुछ एग्रीमेंट साइन हुए थे,
सेकेंडली, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं इंडिया के एक्सटर्नल मिनिस्टर की, तो वो अभी चाइना की विजिट पे गए हुए हैं, आपको ये चीज़ मालूम ही है। तो इन सब चीज़ों को भी कोरिलेट करो, जब तक आप सीखोगे नहीं चीज़ों को आपस में जोड़ना, तब तक यहाँ पे आंसर आपका नहीं निकल कर आएगा। बी प्रिपेयर्ड, कभी भी आंसर नहीं निकलेगा, समझ में आ रही है बात? तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर वन। अगला सवाल है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर फोर। क्वेश्चन नंबर फोर यहाँ पर क्या कह रहा है, टू विच कंट्री गोटू राम मीना वॉज अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया। ओके, यहाँ पे आपके आंसर आने लगे हैं, रिवर्स के नाम बिल्कुल करेक्ट आ रहे हैं आप लोगों के, वर्ल्ड बैंक, बहुत सही बेटा, बहुत अच्छा आप लोगों आंसर कर रहे हो इसको। ओके, जो लोग यहाँ पे सिर्फ दो या तीन रिवर्स बता रहे हैं, पांचों रिवर का नाम मुझे जानना है, यहाँ पे पांचों के आंसर आने चाहिए, ठीक है। ओके, सेशन को लाइक भी करते जाओ भैया, बार बार मुझे कहना पड़ेगा क्या? चलो भैया आगे देख लेते हैं आपके आंसर सारे। अगला देखते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फोर कह रहा है कि गोटू राम मीना जो है इनको अभी अपॉइंट किया गया है एम्बेसडर के रूप में। अब आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि कहाँ के एम्बेसडर के रूप में इनको अपॉइंट किया है, कहाँ का, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। कॉन्गो की बात करें तो मैंने आपको बताया था कि ये जो कंट्री है कहाँ पर है, अफ्रीका में है। और अगर हम इसके यहाँ पे कैपिटल की बात करते हैं तो कैपिटल क्या है, किनशासा इसकी कैपिटल है। होमवर्क, फिर से होमवर्क आपके लिए, इसकी करेंसी आपको बतानी है यहाँ पे। ओके, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, वेरी गुड, यहाँ पे राइट आंसर आ रहा है आपका। अब आपको यहाँ पे होमवर्क क्या है कि आपको यहाँ कॉन्गो की करेंसी बतानी है। फिर मैंने आपको एक दिन बताया था कि जो वेस्ट अफ्रीका का हिस्सा है, जहाँ पे आपको नाइगर, नाइजीरिया, ये सारी कंट्रीज मिलती हैं, उन सब ने डिसाइड किया है, 15 देशों ने मिलकर, कि वो अपनी जो करेंसी है उसको चेंज करेंगे और अपनी नई करेंसी क्या डिक्लेयर करेंगे, इको यहाँ पर नई करेंसी डिक्लेयर करी जाएगी। तो बी प्रिपेयर, आपसे एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है, बात समझ रहे हो? मतलब सवाल जो है ना वो कहीं से भी बनकर आ सकता है। आजकल स्ट्रैटेजी जो है आपकी वो ऐसी होनी चाहिए कि चीज़ों को रिलेट करो और उसके आसपास की जो चीज़ें ना वो भी पढ़ो। अब जैसे कॉन्गो पूछा, अब लास्ट वाले सेशन में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कॉन्गो जो है वो कौन कौन सी कंट्री के साथ बॉर्डर शेयर करती है। रवांडा लिखा हुआ है तो भैया रवांडा की कैपिटल क्या है, किगाली हो जाएगी। तो ये सब चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए, राइट। नेक्स्ट पे आते हैं। ओके, फ्रैंक यहाँ पे करेंसी भी आने लगी है। अगला देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फाइव। क्वेश्चन नंबर फाइव कह रहा है, विच स्टेट ऑफ ऑक्सबो लेक रिसीव द फर्स्ट कम्युनिटी रिजर्व स्टेटस इन द स्टेट रिसेंटली। अब अगर इस पॉइंट को देखें तो सवाल कह रहा है यहाँ पे कि कौन सी ऐसी झील है जिसको अभी कम्युनिटी रिजर्व का दर्जा दिया गया है। तो यहाँ पर आंसर क्या है, बिहार है आपके लिए। यहाँ पर एक रिविजन सवाल, बिहार की कौन सी झील है, कौन सी लेक है जिसको यहाँ पे कम्युनिटी रिजर्व का दर्जा दिया गया है, जिसका नाम जी से शुरू हो रहा था। चलो इतना हिंट दे दिया, फटाफट से आंसर करो, फटाक से यहाँ पे आंसर आना चाहिए इसका। यहाँ पे कौन सी झील है जिसको कम्युनिटी रिजर्व का दर्जा दिया गया है, आंसर इट फास्ट, जल्दी से इसको आंसर करो। नेक्स्ट देखो, अब यहाँ पे अगर बिहार की बात आई है तो थोड़ा सा स्टैटिक का पोर्शन फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। अब देखो, सबसे पहली चीज, कैपिटल पटना हो जाएगी, सीएम की बात करेंगे तो नीतीश कुमार, गवर्नर की बात करेंगे तो फागू चौहान हो जाएंगे, और कौन से यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। अब सबसे पहला बिमबंधन, और दूसरा मैंने आपको बताया था कि वाल्मीकि, आपको ध्यान रखना है, वाल्मीकि कई बार पूछा भी जा चुका है, राइट। नेक्स्ट देखो, लोकसभा सीट 40, राज्यसभा सीट 16, और अगर यहाँ पे स्टेट के अंदर बात करते हैं तो स्टेट के अंदर 243 तो वो हो जाएंगी जो इलेक्टेड होंगी, और एक क्या होगी, एक ये नॉमिनेटेड होती है, और यहाँ पे जिस व्यक्ति को नॉमिनेट किया जाता है वो कौन करेगा, वो राज्यपाल करता है, गवर्नर करता है, राइट। तो यहाँ पे ये सारी चीजें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। गीगा बिल, ओके, गोगा बिल, गीगा बिल, गोगा बिल, ये क्या हो रहा है भाई, गोगा बिल है, ठीक है, गीगा बिल नहीं, वरना गीगा बाइट हो जाएगा फिर वो, राइट। तो यहाँ पे ये हो गया। अब देख लो मैप में कहाँ पर है, ये रहा यहाँ पे बिहार, और बगल में आपको नजर आ ही रहा है कि इंडिया का जो बिग ब्रदर है दैट इज यूपी, उत्तर प्रदेश के बगल में ये आपको बिहार देखने को मिल रहा है। जब भी बिहार का नाम आएगा तो एक रिवर आपको ध्यान रखनी है, उसका नाम क्या है, कोसी नदी। कोसी रिवर क्यों याद रखनी है, क्योंकि इसकी वजह से बिहार में बहुत ज़्यादा बाढ़ देखने को मिलती है, बहुत ज़्यादा फ्लडिंग हो जाती है। सेकेंडली, कोसी रिवर जो है ये नेपाल से इंडिया में आती है और सबसे ज़्यादा अपना ड्रेनेज पैटर्न चेंज करती है, मतलब कि अगर इसके रास्ते में कोई आ गया ना तो दोबारा से डायरेक्शन चेंज, फिर कोई रास्ते में आ गया डायरेक्शन चेंज, तो इस तरीके से ये बार बार डायरेक्शन चेंज करते हुए जाती है। अब वेरी गुड मॉर्निंग, जो लोग अभी यहाँ पर कनेक्ट होते जा रहे हैं फटाफट से अब जुड़ते जाओ, क्योंकि अब न्यूज़ स्टार्ट होने जा रही हैं। सबसे पहली न्यूज आपके सामने है यहाँ पर, सेशन लाइक करना है, बिल्कुल करेक्ट यहाँ पे चंदन, सेशन को भैया लाइक करने की भी हो रही है और सेशन को यहाँ पे शेयर भी करना है, क्योंकि बहुत सारे आपके फ्रेंड्स हैं जिन जो लोग यहाँ पे एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे वो सीडीएस हो, एनडीए हो, इवन स्टेट का एग्जाम हो, या आपका एसएससी हो, रेलवे हो, बैंकिंग हो, हर एग्जाम के लिए करंट अफेयर्स जो है ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो अब आपको यहाँ पे क्या ध्यान रखना है कि कौन कौन से एमसीक्यूज हमने डिस्कस किए। अब शुरुआत होती है यहाँ पे सबसे पहले न्यूज के बारे में।
न्यूज़ में सबसे पहली न्यूज़ आपके सामने है दोबारा से किसके बारे में, जम्मू एंड कश्मीर के बारे में। अभी मैंने आपको बताया था कि जम्मू कश्मीर से जुड़ी हुई जो जो न्यूज़ेस हैं वो हम लोग डिस्कस जरूर करेंगे, क्योंकि मैक्सिमम सवाल जो है ना वो आजकल इसी के आसपास घूम रहे हैं। अब देखो, कल हम लोगों ने डिस्कस किया था ऑपरेशन बेडलाम के बारे में। जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन बेडलाम जो है वो चलाया गया, और उसका काम क्या था कि यहाँ पर लद्दाख के अंदर या कश्मीर के अंदर जो टूरिस्ट हैं, जो पर्यटक हैं, जो कम होते जा रहे थे, क्योंकि इतने सारी चीजें लगी हुई थी, धारा लगी हुई थी, 144 सेशन लगा हुआ था, तो इन सब चीजों के चलते यहाँ पे जो टूरिज्म है वो कम हो रहा था। अब टूरिज्म को दोबारा बढ़ाने के लिए यहाँ पर इस ऑपरेशन बेडलाम की शुरुआत करी गई। तो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट कि ऑपरेशन बेडलाम जो है वो कौन से स्टेट में चलाया गया, तो आंसर क्या होगा, जम्मू एंड कश्मीर होगा। सेकेंडली, अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो है ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट। ग्लोबल समझ रहे हो, मतलब पूरे वर्ल्ड के जितने भी इन्वेस्टर्स हैं वो सारे के सारे अब यहाँ इंडिया में आपको देखने को मिलेंगे, वो भी कब, अक्टूबर में। कौन से अक्टूबर को, 12 अक्टूबर को इंडिया का जम्मू कश्मीर का जो हिस्सा है वहां पर ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट ऑर्गेनाइज करी जाएगी। अभी ऐसा पहली बार होने जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में हो रहा है, तो जम्मू कश्मीर के लिए भी एक चैलेंज रहेगा कि उनके पास जो पावर है, उनके पास जो स्ट्रैटेजीज है वो उसका यूज करके किस तरीके से ग्लोबल लेवल पर इसको ऑर्गेनाइज करेंगे, ये थोड़ा सा देखने वाला होगा, ठीक है। सेकेंडली, इनके पास अपॉर्चुनिटी है कि ये और भी ज्यादा यहाँ पे टूरिज्म को बढ़ावा दें, और भी ज्यादा यहाँ पे जो FDIs हैं उनको खींचे, तो इन सब चीजों के लिए यहाँ पर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो है 2019 की वो कहाँ ऑर्गेनाइज होगी, जम्मू एंड कश्मीर में होगी, राइट। आपके लिए छोटा सा होमवर्क, अ वेरी गुड मॉर्निंग, आपके लिए होमवर्क यहाँ पर ये है कि जम्मू कश्मीर के गवर्नर का नाम बताओ, फटाफट से जम्मू कश्मीर के गवर्नर का नाम मुझे जानना है। जूम स्क्रीन कर दीजिए सर प्लीज, यहाँ पे क्वेश्चंस को और यहाँ पे स्क्रीन को देखने में प्रॉब्लम है, थैंक यू। चलो आंसर करो यहाँ पर फटाफट से कि जम्मू कश्मीर के जो गवर्नर है उनका नाम क्या है, पहले वो बिहार के थे अब जम्मू कश्मीर के हैं, आंसर इट फास्ट। अच्छा दूसरी चीज, अभी तक देखो यहाँ पे गवर्नर थे लेकिन जम्मू कश्मीर अब क्या बन गया है, यूटी बन गया है, तो यहाँ पर अब आपको ल्यूटिनेंट गवर्नर या फिर उपराज्यपाल देखने को मिलेगा, ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। अगली न्यूज पे आते हैं, न्यूज नंबर 2, बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहा है आप लोगों का, सत्यपाल मलिक। अच्छा भाई सेशन को लाइक भी करते जाओ, बार बार थोड़ी ना हर एक न्यूज पे हम बोलेंगे कि भैया सेशन को लाइक कर दो, लाइक कर दो, लाइक कर दो, अरे भैया लाइक ही करना है आपको। सेकेंडली, अब यहाँ पर दूसरी न्यूज है, अ 3-member कमिटी वॉज सेटअप बाय द गवर्नमेंट टू रिजॉल्व द डिस्प्यूट बिटवीन इंडियन रेलवे एंड स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि भारतीय रेलवे जो है और यहाँ पे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है, इन दोनों के बीच में कुछ विवाद हो गया है, तो उस विवाद को सुलझाने के लिए यहाँ पे 3 सदस्यों की एक कमिटी बनाई गई है। अब ये विवाद क्या हुआ है, विवाद यहाँ पे ये है कि स्टील का जो इस्तेमाल किया जाता है ना, उसकी क्वालिटी को लेके और उसकी क्वांटिटी को लेके यहाँ पर विवाद चल रहा है। अब इसको किस तरीके से रिजॉल्व किया जाएगा वो हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारे एग्जाम के लिए जो इम्पोर्टेंट है वो है यहाँ पर इसका कुछ बैकग्राउंड। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं स्टील की, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, दिल्ली में है। CEO कौन है, अनिल कुमार चौधरी है। कब बना है ये, 1954 में बना है। नेक्स्ट, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टील यहाँ पे कौन है, धर्मेंद्र प्रधान, आपको यहाँ इमेज में नजर आ रहे होंगे मिस्टर धर्मेंद्र प्रधान, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि धर्मेंद्र प्रधान जो है वो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टील है। इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करें तो वो कहाँ से, MP से, राइट, तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट पे आते हैं, यहाँ पे इंडियन रेलवे का थोड़ा बैकग्राउंड देख लेते हैं, तो इंडियन रेलवे की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, दिल्ली में है, और यहाँ पे यूनियन मिनिस्टर फॉर रेलवे कौन है, पीयूष गोयल है। भाई इनका नाम तो बहुत इंपॉर्टेंट, आपको याद ही रखना पड़ेगा। कॉन्स्टिट्यूएंसी कहाँ से इनकी, महाराष्ट्र से। अब देखो पीयूष गोयल का नाम क्यों याद रखना है, क्योंकि जो बजट प्रेजेंट किया गया था ना वो भी इन्होंने किया था, क्योंकि उस टाइम पे जो अरुण जेटली है उनकी तबीयत जो थी वो सही नहीं थी, तो कई बार एग्जाम में ऑलरेडी पूछा जा चुका है और आगे भी आपसे पूछा जाएगा यहाँ पर कि पीयूष गोयल के द्वारा कौन से ईयर का बजट जो था वो प्रेजेंट किया गया था, तो बी प्रिपेयर्ड, आपको ये आंसर आना चाहिए। ओके चलो आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। अगली न्यूज एक बार फिर से रिलायंस की तरफ से है। रिलायंस की अगर हम बात करें तो कल हम लोगों ने डिस्कस किया था कि रिलायंस के कुछ शेयर्स जो हैं, जो स्टेक्स हैं 20% के, वो सऊदी अरेबिया की कंपनी खरीदने वाली है। कुछ याद आ रहा है आपको, यहाँ पे ये बताना है कि सऊदी अरेबिया की वो कौन सी कंपनी है जो यहाँ पर ये स्टेक्स खरीदने वाली, फटाफट से यहाँ पे आंसर करो, जल्दी से, आई एम वेटिंग, जल्दी से यहाँ पे आंसर करो कि कौन सी कंपनी है सऊदी अरेबिया की जिसने यहाँ पे रिलायंस के शेयर्स को खरीदने की बात कही है। चलो भाई आंसर आने लगे हैं यहाँ पर, वेरी गुड। अब अगर हम लोग इस न्यूज की बात करें तो ये न्यूज क्या है, रिलायंस जियो जो है उसने माइक्रोसॉफ्ट के साथ टाई अप किया है, किस चीज़ के लिए, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इन इंडिया। अब यहाँ पे क्या होगा, इंडिया के अंदर डेटा जो है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे चोरी होती रहती है,
कई बार यहाँ पे साइबर अटैक्स होते हैं, एक्चुअली सिर्फ इंडिया में नहीं हर कंट्री में देखने को मिलता है। तो यहाँ पे रिलायंस जियो ने क्या किया है, माइक्रोसॉफ्ट के साथ जुड़कर एक क्लाउड बनाएंगे जहाँ पर सारा का सारा जो डेटा है उसको यहाँ पर स्टोर करके रखा जाएगा। तो अब ये जो यहाँ पे एग्रीमेंट साइन हुआ है ये 10 साल के लिए चलेगा। सेकेंडली ये किस चीज़ के लिए किया गया है, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए किया गया है। अब माइक्रोसॉफ्ट की बात आती है तो माइक्रोसॉफ्ट हो या गूगल हो, जितने भी सीईओ है ना वो इंडिया नहीं दिए हैं। तो आप देख रहे हैं इंडिया की जो रीच है वो आपको हर एक लेवल पे बिल्कुल टॉप पे देखने को मिलती है। तो इसीलिए तो बोलते हैं हमारा भारत महान तो है। अब देखो माइक्रोसॉफ्ट की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, वॉशिंगटन डीसी। अच्छा डीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, कौन बताएगा यहाँ पे, इतने सारे लोग हम लोग साथ जुड़ चुके हैं और भी लोग कनेक्ट हो रहे हैं। डीसी के अगर फुल फॉर्म की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। नेक्स्ट देखो सीईओ कौन है, नजर आ ही रहे होंगे आपको, सत्य नडेला है। रिलायंस की बात करें तो रिलायंस के बारे में आपको मालूम ही है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार आपको रिवाइज करा दें, रिकॉल करा दें, हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मुंबई में, और सीईओ कौन है, मुकेश अंबानी है, राइट। अच्छा अब ये भी बता दो जरा गूगल के यहाँ पे सीईओ कौन है, होमवर्क है, बहुत ही छोटा सा होमवर्क है, गूगल के सीईओ कौन है उनका भी नाम आप फटाफट से बता दो। तीसरी न्यूज आपके सामने है, अब ये वाली न्यूज थोड़ा ध्यान से सुनना। कल है 15 अगस्त, अब 15 अगस्त है तो 15 अगस्त से पहले कुछ तो यहाँ पर यूनिक होना बनता ही बनता है। तो यहाँ पे जो यूनिक चीज होने जा रही है वो क्या है वो सुनिएगा। सबसे पहली चीज यहाँ पे 15 अगस्त आने से पहले 15 किलोमीटर जो लंबा यहाँ पे एक तिरंगा बनाया गया है और यहाँ पे उसको मार्च किया गया है, कहाँ पे, छत्तीसगढ़ में। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आपसे पूछा जाता है कि इंडिया का सबसे लंबा जो तिरंगा बनाया गया वो कहाँ पर बनाया, उससे मार्च कहाँ पे किया गया, तो आंसर क्या हो जाएगा, छत्तीसगढ़ स्टेट के अंदर। सेकेंडली इसको यहाँ पे अगर हम देखें तो इसको यहाँ ऑर्गेनाइज किसने किया, अब अगर कोई चीज़ हो रही है, कोई मार्च हो रही है तो उसको कोई ऑर्गेनाइज भी तो करेगा, तो यहाँ पर इसको ऑर्गेनाइज किसने किया है, यहाँ पे कुटुंबकम फाउंडेशन के द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया गया है। और इसके साथ में जब इतना लंबा यहाँ पे फ्लैग बना है तो सीधी सी बात भैया कि रिकॉर्ड तो बनाएगा ही ना इंडिया, आजकल वैसे ही बहुत सारे रिकॉर्ड्स बन रहे हैं, तो इंडिया का जो नाम है वो यहाँ पर रिकॉर्ड में दर्ज हो चुका है। लेकिन ये सिर्फ एक जगह की बात नहीं है, दूसरी जगह भी देखो, यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि तमिलनाडु में 330 मीटर्स लेंथ का यहाँ पर बनाया गया ट्राई कलर। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि ट्राई कलर से जुड़े हुए जितने भी न्यूज़ आ रही हैं, ट्राई कलर समझ रहे हो ना, मतलब फ्लैग की बात कर रहे हैं, तो ट्राई कलर जितने भी हैं वो आपको ध्यान रखने हैं। सबसे पहला 15 किलोमीटर लॉन्ग पूछा जाएगा तो छत्तीसगढ़ हो जाएगा, अगर 330 मीटर पूछा जाएगा तो तमिलनाडु हो जाएगा। अच्छा आपके लिए एक सवाल, ये मैंने डिस्कस किया था इसलिए आपके लिए सवाल के फॉर्म में आने जा रहा है कि ये जो नेशनल फ्लैग दिख रहा है ना, इंडियन फ्लैग जो है, आपको ये बताना है कि इसको बनाया किसने था, सबसे पहले इसको बनाया किसने था। सबसे पहले की बात कर रहे हैं, उनका बर्थडे भी था अभी अगस्त की शुरुआत में, मैंने उस पर एमसीक्यू भी बनाया था, आपको उसकी पूरी डिटेल भी दी थी। तो आप फटाफट से आप ये बता दीजिए कि ये बनाया किसके द्वारा गया था। आपको ये बता दें कि इसको अडॉप्ट कब किया गया था, इसको अपनाया कब था भारत ने, 22 जुलाई 1947 को इसको अपनाया गया था। बिल्कुल आई लव इंडिया, तो हर कोई यहाँ पे भारत से प्यार करता है, इसमें कोई दोराया नहीं है, ये तो फैक्ट है, ये तो नेचुरल फैक्ट है एक्चुअली। अब देखो ट्राई कलर की बात आई है तो एक और न्यूज़ है जो कि उसी से जुड़ी हुई है, प्रकाश जावड़ेकर की अगर हम बात करते हैं, जो कि यहाँ पे इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्ट मिनिस्टर हैं, यहाँ पर इन्होंने 15 अगस्त के लिए एक सॉन्ग रिलीज किया है और सॉन्ग का नाम है वतन। अगर आपका ये सॉन्ग सुनने का मन करे तो PIB पे जाके फटाक से लॉग इन करिएगा और आपको वहां से सॉन्ग मिल जाएगा। अभी मत चले जाना, सेशन को खत्म होने दीजिए, सेशन के बाद जाइएगा। तो यहाँ पर ये जो वतन सॉन्ग है इसको रिलीज किया गया है और ये इंडिपेंडेंस डे के लिए इसको बनाया गया है। सेकेंडली इसको यहाँ पर प्रोड्यूस किसने किया है, दूरदर्शन ने किया है। अब इसको यहाँ पे बनाया गया है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि इसमें दर्शाया क्या गया है, इसमें किस चीज को दिखाया गया है, तो इसमें चंद्रयान 2 की जो सक्सेस है उसको यहाँ पर दिखाया गया है। तो अच्छा आज जो है ना चंद्रयान 2 जो है वो सुबह सुबह जो फोर्थ वाला ऑर्बिट है वहां पर एंट्री मार चुका है। तो अब आपको ध्यान रखना है कि जो वतन सॉन्ग है उसमें यहाँ पर किसकी सक्सेस को दर्शाया गया है, तो आंसर क्या हो जाएगा, चंद्रयान 2 की। नेक्स्ट देखो सॉन्ग जो है यहाँ पे वो गाया किसने है, सिंगर भी तो पता होना चाहिए, तो आंसर क्या हो जाएगा, जावेद अली ने गाया है। एक बार सुनिएगा जरूर इस सॉन्ग को, बहुत अच्छा आपको लगेगा। इसको कंपोज किसने किया है, दुष्यंत ने इसको कंपोज किया है। तो वेरी इंपॉर्टेंट पहला पॉइंट, वतन जो सॉन्ग है कौन से डे के लिए मनाया गया, किसको यहाँ पे दिखाएगा, किसको ये प्रिडिक्ट करेगा, किसने गाया है और किसने इसको कंपोज किया है। चार सवाल तो सीधे सीधे यहाँ से बनकर निकल कर आ रहे हैं, ठीक है ना, तो ये आपको चीज ध्यान रखनी है। अगली न्यूज पे चलते हैं, यहाँ पर अगली न्यूज भी यहाँ जुड़ी हुई है तमिलनाडु से। तो तमिलनाडु में जो केंद्र सरकार है उसने डिक्लेयर किया है कि वो मेगा फूड पार्क बनाएगी।
अब ये मेगा फूड पार्क क्या होता है यार? क्या यहाँ पे बहुत बड़ा सा पार्क होता है, वहाँ पे खाने पीने के लिए जाते हैं, बस बड़ी अच्छी अच्छी डिशेस मिलती है? नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। एक स्कीम आई थी, संपदा स्कीम। संपदा स्कीम के अंदर बोला गया था कि मेगा फूड पार्क बनाए जाएंगे ताकि यहाँ पे जो फूड प्रोसेसिंग की समस्या होती है उसको यहाँ पर सही किया जा सके। तो अगर हम बात करें कि इंडिया का सबसे पहला जो फूड पार्क है वो कहाँ पे बना हुआ है, तो आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। त्रिपुरा में भी है, तमिलनाडु में बनने जा रहा है, महाराष्ट्र में ऑलरेडी दो हैं, तो बहुत सारी जगह पर अलग अलग आपको देखने को मिलते हैं। लेकिन अब यहाँ तमिलनाडु का पहला बनने जा रहा है तो इम्पोर्टेंट हो ही जाएगा। तो पहला फूड पार्क जो है, मेगा फूड पार्क, वो आंध्र प्रदेश में बना था। सेकेंड पॉइंट देखो, ये एग्जाम में पूछा जा चुका है, फर्स्ट एक्वा फूड पार्क जो है वो भी आंध्र प्रदेश में देखने को मिलेगा। तो इसका मतलब समझ में आ रहा है, फूड पार्क कहीं पे भी लिख के आए तो दोनों ही आंध्र हो जाएगा। नेक्स्ट, संपदा स्कीम की बात करें तो संपदा का भैया फुल फॉर्म एक बार जरूर पढ़ लेना, ठीक है ना? और इसका यहाँ पे जो टारगेट रखा गया वो 4 साल का है, 16 से लेके 20 तक का ये टारगेट है। तो आपको क्या क्या याद रखना है, पहला फूड पार्क, दूसरा यहाँ पे एक्वा फूड पार्क, और क्या तमिलनाडु का पहला बनने जा रहा है? तो बिल्कुल करेक्ट, यहाँ पे बनने जा रहा है, राइट। तो ये हो गया यहाँ पर। अब नाम यहाँ पे तमिलनाडु का आया है तो यहाँ थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड देख लेते हैं, स्टैटिक पोर्शन भी डिस्कस कर ही लेते हैं। तमिलनाडु देखो आपको नजर आ रहा होगा, और इसका ये जो कोस्ट है ना, जो यहाँ पे इसका तट है, इसको बोला जाता है क्या, कोरोमंडल कोस्ट। क्या नाम है इसका? कोरोमंडल कोस्ट या फिर कोरोमंडल तट। और यहीं पर आपको देखने को मिलेगा श्रीलंका। तो इन दोनों के बीच में जो आपको एक स्ट्रेट देखने को मिलती है, जो जल संधि देखने को मिलती है, उसका नाम क्या है? वो है पाक स्ट्रेट, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, ज्योग्राफी के पॉइंट से तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है, पाक स्ट्रेट। अब देख लो भैया, इसके यहाँ पे कैपिटल चेन्नई, गवर्नर की बात करें तो पुरोहित हो जाएंगे, सीएम की बात करेंगे तो एकपदी एक के हो जाएंगे यहाँ पे। फेस्टिवल्स कौन कौन से, जरा यहाँ पे त्यौहार कौन से मनाए जाते हैं वो सुन लो। अभी कुछ दिन पहले ये फेस्टिवल मनाया गया, आदि पेरुकू फेस्टिवल। दूसरा जलीकट्टू, ध्यान रखना है क्योंकि इसके ऊपर बैन लगा था, फिर से शुरू हो गया है। और तीसरा यहाँ पर है पोंगल, राइट। तो ये तीन फेस्टिवल्स हैं यहाँ पे जो मनाए जाते हैं। अच्छा, मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताओ कि ओनम कहाँ पे मनाया जाता है, बहुत ही किरिश सवाल मैंने पूछा है नो, लेकिन फिर भी जरा बताइएगा ओनम कहाँ पे मनाया जाता है। डांसेस देख लो यहाँ से, भरतनाट्यम हो गया और कोलट्टम, ये दो डांसेस हैं, ये है यहाँ पर लोक नृत्य है, और ये क्या है, ये तो क्लासिकल डांस है, तो फोक डांस और क्लासिकल डांस। लोकसभा सीट 39, राज्यसभा 18 हो जाएंगी। स्टेट लेजिस्लेचर की बात करें तो टोटल यहाँ पे 235 हो जाएंगी। स्टेट एनिमल कौन सा है, नीलगिरी ताहर है। और नेशनल पार्क तो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, तो नेशनल पार्क केरला। ओके, आप लोगों का आंसर आने लगा है कि ओनम जो है वो केरला में मनाया जाता है। अभी इस पे एक एमसीक्यू है, अभी फटाफट चला, इस पे एक एमसीक्यू आने वाला है। नेशनल पार्क कौन सा है, गुंडी नेशनल पार्क, गल्फ ऑफ मन्नार मेराइन नेशनल पार्क, इंदिरा गांधी नेशनल पार्क, और साथ में मधुमलाई और मुकुर्दी नेशनल पार्क। ये जो लिखा है ना यहाँ पे नीलगिरी ताहर, ये सबसे ज्यादा पाए जाते हैं कहाँ पे, मधुमलाई नेशनल पार्क में, ठीक है ना। और ये इंडेंजर्ड है, ठीक, तो ये इंडेंजर्ड है, विलुप्त होती जा रही है धीरे धीरे करके इनकी प्रजाति जो है, ये डियर होते हैं, हिरन के तरीके से ही देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं, अगली न्यूज है यहाँ पे, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टार्टेड स्पेशल हॉस्पिटल ऑफरिंग द इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन। क्या मतलब हुआ कि जो केंद्र सरकार है भारत के अंदर, उसने यहाँ पे दवाओं की प्रणाली के लिए अब एक नया एक हॉस्पिटल शुरू करने जा रहे हैं, जहां पर आपको देखने को मिलेगा कि पूरी तरीके से ट्रेडिशनल फॉर्म में ट्रीटमेंट दिया जाएगा। अभी ट्रेडिशनल फॉर्म क्या है यार, ये भी तो बता दो। तो यहाँ देखो, आयुष का नाम सबने सुना है, आयुष के आगे नाम की बात करें तो पहले तो मुझे ये बताओ कमेंट सेक्शन में कि आयुष का फुल फॉर्म क्या है। आयुष जो मिनिस्ट्री है वो बनाई गई थी 2016 में, तो यहाँ पे सवाल ये बनकर आता है कि आयुष का फुल फॉर्म क्या है। आयुष का फुल फॉर्म बताओ, जल्दी जल्दी से बनाओ। ओके, आयुष का फुल फॉर्म आपको यहाँ पे बताना है। केरला हो गया, वेरी गुड, सबका आंसर आ रहा है आयुष का फुल फॉर्म। अब देखो यहाँ पे बोला गया है कि ट्रेडिशनल फॉर्म में ट्रीटमेंट दिया जाएगा हॉस्पिटल्स के अंदर। तो पहली चीज तो ये कि यह हॉस्पिटल बनाया कहाँ जा रहा है, हॉस्पिटल बनेगा कहाँ पर, वेल्लोर तमिलनाडु में। सेकेंडली, यहाँ पर आयुष के अंदर आयुर्वेदा की बात करें, सिद्धा की बात कर लें, तो इन सब चीजों के लिए यहाँ पर पूरा ट्रेडिशनल वे में आपको ट्रीटमेंट मिलेगा, इन्हीं पांचों चीजों का इस्तेमाल करते हुए। यहाँ पे कोई भी आपको एलोपैथिक दवाई नहीं दी जाएगी, सिर्फ यहाँ पर इन पांच चीजों का इस्तेमाल किया जाएगा। ये हॉस्पिटल बनने कहाँ जा रहा है, तमिलनाडु में बनेगा। और ऐसा बोला गया है कि करीबन 115 मतलब 115 ऐसे जिले होंगे, डिस्ट्रिक्ट होंगे, जहां पर इसको प्रोवाइड किया जाएगा। अब अगर हम आयुष मिनिस्ट्री की बात करते हैं तो ये जो मिनिस्ट्री है यहाँ पर, ये किसके पास है, तो श्रीपद, यहाँ पे श्रीपद नायक जी के पास है, ठीक है। और यहाँ आपको बस ध्यान रखना है कि ये जो यहाँ पे हॉस्पिटल बनने जा रहा है वो बनेगा कहाँ पर, कितने डिस्ट्रिक्ट में लागू होगा, और आयुष का फुल फॉर्म क्या है, और लास्ट में आयुष मिनिस्ट्री किसके पास है। वेरी गुड, ओके,
आयुष सिंह का यहाँ पे आ भी रहा है, आई एम आयुष, वेरी गुड। यहाँ पे मतलब अपने नाम में ही चीज़ों को ढूंढ लिया है, बहुत सही बेटा। चलो भाई ये हो गया यहाँ पे योगा, अच्छा योगा भी यहाँ पर होगा, ओके ओके। अच्छा योगा मालूम है यूनेस्को की लिस्ट के अंदर आता है, योगा योगा हो गया यहाँ पे, इसको रिसेंटली अभी कुछ टाइम पहले ही यहाँ पे यूनेस्को की लिस्ट में जोड़ा गया था। चलो अच्छा अब आ जाते हैं कुछ इकोनॉमिक्स की न्यूज़ के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहली न्यूज़ है यहाँ पे येस बैंक के बारे में। येस बैंक के यहाँ पे CFO जो है, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर जो है, वो अपॉइंट किए गए हैं अनुराग अदलका, ओके। तो ये आपको नाम याद रखना है। येस बैंक की बात करें तो इंडिया का चौथा सबसे बड़ा बैंक है। अगर इसके हम डायरेक्टर CEO की बात करें तो ये कौन है, रवनीत गिल है, और यहाँ पार्ट टाइम चेयरपर्सन भले ही भूल जाओ लेकिन प्लीज CEO का नाम ध्यान रखिएगा। दूसरा, इसको बनाया कब गया है, 2004 में बनाया गया, और इसकी टैगलाइन, अरे भैया देखो कोई भी अगर बैंक आता है ना तो उसकी टैगलाइन जरूर याद रखना। कई बार यहाँ पे टैगलाइन पूछ लिया जाता है कि टैगलाइन बता दो कि क्या है, तो आंसर क्या होगा, एक्सपीरियंस आर एक्सपर्टाइज, बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे वो SBI का हो, बैंक ऑफ इंडिया का हो, यहाँ पे यूनाइटेड बैंक का हो, कोई भी बैंक है तो उसकी यहाँ पे टैगलाइन याद होनी चाहिए आपको। अगली न्यूज है यहाँ पर, ब्रेसलर बबीता फोगाट। बबीता फोगाट का नाम सबने सुना होगा, दबंग मूवी सबने देखी होगी, दोनों बहनों की कहानी सबने सुनी होगी। तो यहाँ पे बबीता फोगाट जो हैं, जो कि हरियाणा से हैं, महावीर जी जो हैं वो इनके फादर हैं। अब दोनों लोगों ने BJP को ज्वाइन किया है। अब सोच रहे होंगे कि यार ये कैसा सवाल मैम बता रही हैं, यहाँ पे कभी ऐसा आएगा ही नहीं, कभी पूछा ही नहीं जाएगा। तो भैया याद रखना, हरियाणा SSC का जो एग्जाम है ना वो लाइंड अप है। तो हरियाणा एग्जाम की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर आपको ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी कि SSC का जो भी एग्जाम होगा वहाँ पे इसी तरीके के सवाल पूछे जाते हैं। सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि जो बबीता फोगाट है, पहली चीज़ वो कौन सी स्टेट से बिलोंग करती है, तो आंसर क्या हो जाएगा, हरियाणा हो जाएगा। सेकेंडली बात करें तो इनके पिता का नाम क्या है, क्योंकि ये भी कोच के रूप में काम कर चुके हैं तो इनके फादर का नाम याद रखना है। तो इन दोनों लोगों ने BJP को ज्वाइन किया है, वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पार्टी का नाम याद रखना है, नहीं भी याद होगा तो भी आंसर यही आएगा, है ना। सेकेंडली दूसरी न्यूज की बात करते हैं यहाँ पे, तो मुकेश अंबानी जो है यानी कि रिलायंस, यहाँ पे इन्होंने अनाउंस किया है कि जियो फाइबर जो है ब्रॉडबैंड सर्विसेज लॉन्च होने वाली है। तो अगर लिखकर आता है कि जियो फाइबर क्या है तो ये क्या हो जाएगा, ब्रॉडबैंड सर्विसेज है, जैसे कि एयरटेल की आइडिया की है। तो अब यहाँ पे रिलायंस जियो भी अपनी ब्रॉडबैंड सर्विसेज लॉन्च करने जा रहा है, तो बी प्रिपेयर, आपसे ये पूछा जा सकता है। रिलायंस से जुड़े हुए जितने भी सवाल बनकर आ रहे हैं, चाहे वो सऊदी अरेबिया वाला वो आपका स्टेक वाला पॉइंट हो या फिर यहाँ पे जियो फाइबर का पॉइंट हो, ये सारे पॉइंट्स आपको मालूम होने चाहिए। उसके बाद मैंने आपको बताया था KG बेसिन वाला, कल मैंने इस पॉइंट को डिस्कस किया था ना, KG बेसिन वाला भी पॉइंट आपको ध्यान होना चाहिए कि वो कृष्णा और साथ में गोदावरी, वहां पर एक बेसिन के बारे में पूरा डिस्कशन किया था कल। नेक्स्ट न्यूज पे आ जाते हैं, नाम हरियाणा का आया है तो हरियाणा को कैसे डिस्कस नहीं करेंगे। तो ये बना कब है, 1966 में, और हरियाणा देख लो ये यहाँ पर है, इधर नजर आ रहा है राजस्थान, और इधर यहाँ छोटा सा दिल्ली नजर आ रहा होगा मैप में। लोकसभा सीट्स की बात करें 10 हो जाएंगी, राज्यसभा सीट्स 5 हो जाएंगी, नेशनल पार्क सुल्तानपुर और कलेश्वर, मैंने इसको कल भी डिस्कस किया था, एक बार फिर से आपको बता रहे हैं ताकि आपको रट जाए, बिल्कुल याद होना जाना चाहिए अब तक तो आपको। तो यहाँ पर ये हो गया। अब किसके साथ ये बॉर्डर शेयर करता है, तो उत्तराखंड, पंजाब, हिमाचल, राजस्थान, UP और एक UT है, यूनियन टेरिटरी है, वो कौन सी है, वो दिल्ली है, राइट। कैपिटल चंडीगढ़, ये तो सबको मालूम है। फोक डांसर्स कौन कौन से हैं, धमाल है, गुग्गा है, झूमर है और खोरिया, और यहाँ पे स्टेट एनिमल क्या है, ब्लैक बक है, राइट। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, है ना, ऐसा मान सकते हैं ना कि सारे पॉइंट यहाँ तक क्लियर हो गए। तो अब जरा आते हैं अगली न्यूज के ऊपर, इंटरनेशनल न्यूज है आपके सामने। यहाँ पर न्यूज में कहा जा रहा है कि गुटेमाला जो जगह है, अभी पहले तो जगह ही नहीं पता होगी क्योंकि ये बहुत ही छोटी सी जगह है, कहाँ पर, सेंट्रल अमेरिका में। तो ये जो आपको एरिया नजर आ रहा है, दिस इज गुटेमाला, ऊपर वाला क्या है, दिस इज नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, और नीचे देखेंगे ये क्या है, ये है साउथ अमेरिका। इसके बीच में यहाँ देखने को मिलता है मध्य अमेरिका, या फिर हम कह सकते हैं सेंट्रल अमेरिका का हिस्सा। यहीं पर आपको मिलेगी एक छोटी सी कंट्री जिसका नाम है गुटेमाला। गुटेमाला की बात करें तो इसके नए राष्ट्रपति चुने गए हैं जिनका नाम है अलेजेंड्रो गैमेटी। अब ये जो अलेजेंड्रो गैमेटी जी जो हैं, एक तो नाम ही इतना अच्छा है इनका कि याद भी ना होगा, लेकिन याद कर लेना भैया, नाम कई बार पूछ लेते हैं कि कहाँ के राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किए गए हैं, तो इनका नाम याद करिएगा अलेजेंड्रो, और ये कहाँ के अपॉइंट किए गए, गुटेमाला के लिए अपॉइंट किए गए। अब देखो कैपिटल की बात करें तो गुटेमाला सिटी हो जाएगी, कुछ एक्स्ट्रा याद नहीं करना। करेंसी की बात करें तो गुटेमाला क्विट्ज़ल यहाँ की करेंसी हो जाएगी। ये रहा हमारा यहाँ पे इंडिया, जैसे कि आपको नजर ही आ रहा होगा, तो इंडिया से देख रहे हैं ना डिस्टेंस कितना ज्यादा है। तो ये हो गया यहाँ पर इसके बारे में। अगली न्यूज है देखो यहाँ पे, स्पोर्ट्स न्यूज अब आ गई है, फटाफट से सुनते जाना, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले ऐश्वर्या जो है, इन्होंने इंडिया के अंदर सबसे पहली ये महिला बनी है, विमेन बनी है, जहां पर इन्होंने FIM, एम का मतलब है यहाँ पे क्या,
मोटर बाइक के बारे में। तो इसको यहाँ पे इन्होंने जीता हुआ है। सर प्लीज स्क्रीन को जूम कर दीजिए ताकि यहाँ पे क्लियर दिखे। तो सबसे पहला सवाल जहां पे आ जाता है ना फर्स्ट विमेन, तो आपको ध्यान रखना है कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो यहाँ पे इंडिया की तरफ से सबसे पहली महिला निकल कर आई है जिन्होंने इसको जीता है, तो यहाँ पे फर्स्ट विमेन हो जाएंगी ऐश्वर्या, जहां पे इन्होंने मोटर स्पोर्ट्स को जीता है। तो ये हो गया पहला पॉइंट। सेकेंडली अगर हम बात करें तो इंडिया की तरफ से ये सबसे पहली बनी है, तो इसको ऑर्गेनाइज कहाँ किया गया था, कहाँ पर हुई थी ये, तो ये हंगरी में ऑर्गेनाइज किया गया था। दूसरी स्पोर्ट्स की न्यूज सुन लो यहाँ पर। दूसरी स्पोर्ट्स की न्यूज ये है कि जो क्रिकेट है, यहाँ पे बोला जा रहा है कि ओलंपिक्स के जो गेम होते हैं हर 4 साल पे, उसमें क्रिकेट को भी जोड़ना चाहिए, और 2028 वाले जो गेम्स होने जा रहे हैं वहां पे क्रिकेट को तो जोड़ ही देना चाहिए, ऐसा बोला गया है यहाँ पे। और ये किसके द्वारा बोला गया है, तो ये भी ध्यान रखना, वर्ल्ड क्रिकेट कमिटी के जो चेयरपर्सन है माइक गेटी, इनके द्वारा ये बात कही गई है। तो पहला हो गया ऐश्वर्या, इन्होंने यहाँ पे मोटर स्पोर्ट्स जीता हुआ है इंडिया की पहली, और दूसरा क्या है कि 2028 वाले जो क्रिकेट है वो उसमें जो क्रिकेट है उसको ओलंपिक में जोड़ना है। दोनों का बेसिक देख लो। हंगरी में ऑर्गेनाइज हुआ, हंगरी जो है वो लैंडलॉक कंट्री है, यूरोप की कंट्री है, यानी कि ये रहा यूरोप, और यूरोप में यहां पर आपको देखने को मिलेगा हंगरी, ठीक है। दूसरा कैपिटल क्या है, बुडापेस्ट, यहीं पर इसको ऑर्गेनाइज किया गया था, और यहां पर आपको एक रिवर देखने को मिलती है जिसका नाम है डैनूब रिवर, ठीक है ना। तो यूरोप की जो रिवर है वो कौन सी रिवर है, डैनूब है, और यूरोप की अगर हम सबसे बड़ी नदी की बात करें तो आंसर क्या हो जाएगा, वोल्गा नदी। तो यहां पर हो गया हंगरी, कैपिटल हो गई बुडापेस्ट, रिवर हो गई डैनूब, करेंसी क्या हो जाएगी, फॉरिंट इसकी करेंसी है, ये यहां पर आपका हंगरी, एंड इंडिया तो यहां है लोकेटेड, वो तो आपको पता ही है। अब देखो ओलंपिक्स की बात आई है, तो 2016 कहां हुए थे, रियो डी जेनेरियो यानी कि ब्राजील, टोक्यो में होने जा रहे हैं 20 वाले, उसके बाद मिलेंगे पेरिस में 2024 वाले, और आखिरी इसके बाद जो नेक्स्ट होने जा रहा है, मतलब आखिरी का मतलब वो नहीं है, मतलब इस सीक्वेंस में आखिरी है, लॉस एंजलिस 2028 में। तो इसी में जोड़ने की बात कही गई है, किसको, क्रिकेट को इसमें ऐड कर देना चाहिए। बहुत से बेटा आप लोगों के आंसर्स आते जा रहे हैं, मैप देखना नहीं आता, भाई देखो मैप देखने की सिर्फ एक ही स्ट्रैटेजी है, रोज उसको देखो तभी तो देखना आएगा ना। मैप में सबसे पहले इंडिया का जो मैप है पहले उसको याद करना सीखो, पहले उसका पॉलिटिकल मैप, कौन सी स्टेट कहाँ पर है, उसके बाद उसके फिजिकल मैप पे पहुंचो। फिजिकल मैप में पहले सारे पहाड़ याद कर लो, फिर सारी रिवर्स याद करो, और इतना करने के बाद एक लो रफ मैप और उस पर सारी चीजें ड्रॉ करना शुरू करो। जिस दिन ड्रॉ कर लिया इंडिया का, उस दिन वर्ल्ड का मैप याद करने से आपको कोई नहीं रोक सकता, ये तो मतलब गारंटी है। अगली न्यूज है यहाँ पर, ATP की रैंकिंग लॉन्च करी गई है, एसोसिएशन ऑफ टेनिस की यहाँ पे रैंकिंग लॉन्च करी गई है, जिसमें डिकनोविक जो है वो रहे हैं नंबर 1 पर, तो नंबर 2 पे कौन रहे, नडाल रहे, कहाँ से हैं, स्पेन से हैं। फेडरर की बात करें तो ये स्विट्जरलैंड से हैं। अब देखो अगर यहाँ पे नडाल का नाम आएगा तो अभी यहाँ पे रोजर कप हुआ वो इन्होंने जीता, फ्रेंच कप हुआ तो वो भी इन्होंने जीता, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि नडाल का नाम आपको रटा होना चाहिए। उसके बाद अगर यहाँ पे फेडरर की बात आती है तो सबसे ज्यादा जो ग्रैंड स्लैम है ना वो जीते गए हैं किसके द्वारा, फेडरर के द्वारा। अब अगर ग्रैंड स्लैम की हम बात करते हैं तो सबसे पहला कौन सा होता है, ऑस्ट्रेलियन होता है, फिर कौन सा होता है, फ्रेंच होता है, फिर विंबलडन आएगा, और आखिरी में कौन सा आएगा, US ओपन। यही सीक्वेंस चलता है, आपको यही सीक्वेंस याद रखना है। अब यहाँ से आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क क्या है वो जानो। अब होमवर्क ये है कि ये जो चारों यहाँ पर होते हैं ग्रैंड स्लैम, ऑस्ट्रेलिया, फ्रेंच, विंबलडन और US, ये कौन से कोर्ट पे खेले जाते हैं, कोर्ट जो है वो क्ले ही होता है, वहां पे घास होती है, मिट्टी होती है, कैसा होता है, ये चारों आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। दूसरा ये तो मेन का हो गया कि डिकोनोविक जो है वो नंबर 1 पे है, दूसरा नेडाल हो गया, तीसरा फेडरर हो गया। विमेन की बात करें तो नियोमी ओसाका जापान से नंबर 1 पे रही, और दूसरे नंबर पे रही है कोरिल्ला, और ये कहाँ से, क्रेंच रिपब्लिक से हैं, ये दूसरे नंबर पे रही। तो ये डेटा आपको ध्यान रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, टेनिस से सवाल बनकर आते हैं। अगला आपके लिए न्यूज है यहाँ पे, किससे, टेबल टेनिस से। अल्टीमेट टेबल टेनिस जो टाइटल है वो यहाँ पे चेन्नई लाइन्स ने जीता है, और किसको हराया, यहाँ पे दबंग डेली को इसको हराया गया है। चेन्नई लाइन्स की बात करें तो इसको लीड कौन करता है, यहाँ पे लीड किया जाता है सरात कमाल के द्वारा, और सरात कमाल की बात करें तो ये अब यहाँ पे 9 बार चैंपियन बन चुके हैं, अभी तक ये 8 बार थे, लेकिन अब इन्होंने जब ये वाला यहाँ पे जीत लिया है तो इन्होंने एक रिकॉर्ड तोड़ दिया है, और ये रिकॉर्ड जो है वो पहले किसके नाम था, कमलेश मेहता के नाम था। तो वेरी इंपॉर्टेंट कि यहाँ पे रिकॉर्ड जो है वो किसने तोड़ा है, सेकेंडली ये कौन से खेल से जुड़े हुए हैं, और कितनी बार ये चैंपियन बन चुके हैं, ये पॉइंट्स यहाँ से निकल कर आते हैं। तो पहला पॉइंट ये हो गया, दूसरा इनका नाम हो गया, और तीसरा कितनी बार चैंपियन बन चुके हैं, दैट इज 9 टाइम्स। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया सबको, दबंग्स डेली बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहा है आप लोगों का, वेरी गुड।
हार्ड क्ले ग्रास, अब ये सब आपको बताना पड़ेगा, कमेंट सेक्शन में पूरा पूरा आंसर आना चाहिए कि चारों जो कोर्ट्स हैं वो कैसे होते हैं। अगला देखो यहाँ पे रोजर्स कप, यहाँ आपको देखने को मिलेगा सबसे पहली चीज बियनका जो है कनाडा से जो बिलोंग करती हैं, उन्होंने सेरेना विलियम्स को हराया है। एक्चुअल में सेरेना विलियम्स के बैक में बहुत ज्यादा पेन था जिसके चलते उनको मैच छोड़ना पड़ा। दूसरा मेंस में कौन जीता है, नेडाल जीते हैं, स्पेन से जुड़े हुए हैं। उन्होंने किसको हराया है, डेनिल को हराया है, जो कि कौन सी कंट्री से जुड़े हैं, रशिया से जुड़े हैं। तो रोजर्स कप आपको ध्यान रखना है, मेन और विमेन दोनों कैटेगरी में कौन जीता है और किसको हराया है ये भी याद रखना है। और तीसरी चीज यहाँ पे कौन सी कंट्री से ही जुड़े हुए हैं, कंट्री का नाम बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। नेक्स्ट यहाँ पे आ जाते हैं जरा एमसीक्यूज, बी प्रिपेयर्ड, बिल्कुल सब तैयार है ना। पहला सवाल आपके स्क्रीन पर ये है, विच कंट्री हैज रिजेक्टेड द अपील अगेंस्ट आर्टिकल 370 इन यूएनएससी। यूएनएससी जो है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, जिसकी हम अगर बात करते हैं तो इसके अंदर यहाँ पर एक पिटिशन दायर किया गया पाकिस्तान के द्वारा, जहाँ पे पाकिस्तान ने ये बोला कि आर्टिकल नंबर 370 जो हटाया गया है ये गलत है। तो अब ये जो यहाँ पे पिटिशन दायर किया गया था पाकिस्तान के द्वारा, इसको कौन से देश ने खारिज कर दिया है, कंट्री का नाम, इसका आंसर क्या होगा, पोलैंड। वाई पोलैंड? अब देखो अगर हम यूएनएससी की बात करते हैं तो इसके यहाँ पे पांच तो परमानेंट मेंबर होते हैं, यूके होता है, यूके इज नॉट उत्तराखंड, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम की बात कर रहे हैं, यूएसए, फ्रांस, रशिया और चाइना, ये पांच होते हैं परमानेंट मेंबर। लेकिन इसकी अगर हम बात करें टोटल यहाँ पे 15 मेंबर होते हैं, पांच परमानेंट होते हैं और जो 10 होते हैं वो यहाँ पे नॉन परमानेंट होते हैं। नॉन परमानेंट मेंबर में से एक देश है पोलैंड। और यहाँ पे एक और खास बात होती है कि इसकी जो अध्यक्षता होती है ना यूएनएससी की, ये हर बार चेंज होती रहती है। तो इस टाइम पे जो अध्यक्षता है वो पोलैंड के पास थी, तो पोलैंड के पास जैसे ही पाकिस्तान गया पूछने के लिए, क्या भैया ये मेरी जो पिटीशन है इसको दायर करा दो, प्लीज़ प्लीज़ जम्मू कश्मीर वापस दिला दीजिए, तो यहाँ पर पोलैंड ने इसको तुरंत से खारिज कर दिया। इंडिया के लिए बड़ा अचीवमेंट है यहाँ पे कि यूएनएससी के अंदर इतनी बड़ी चीज़ को खारिज करना, वो भी इंडिया के लिए, तो इट्स बहुत बड़ा अचीवमेंट है इंडिया के लिए, ठीक है ना। ओके, आप देखो यहाँ पे चारों कंट्री कहाँ से हैं, यूरोप से ही है, यूरोप के कॉन्टिनेंट में आ जाती है, ठीक है ना। और एक चीज और, इसका हेडक्वार्टर भी तो जान लो, पता चला हम भूल जाए बताना, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, न्यूयॉर्क में है, और बना कब है ये, 1945 में। नेक्स्ट न्यूज पे आते हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियाज लॉन्गेस्ट रोप वे प्रोजेक्ट। अब इंडिया के अंदर एक रोप वे होता है ना, एक रस्सी होती है उसके ऊपर से एक ट्रॉली टाइप की जाती है, तो यहाँ पर एक रोप वे प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है, कौन सी गुफा के लिए। ऑप्शंस में है आपके लिए अजंता केव्स, एलिफेंटा केव्स, भीमबेटका या फिर सब, तो आंसर है इसका एलिफेंटा केव्स। मुंबई की अगर हम बात करें तो मुंबई से लेके एलिफेंटा केव्स तक का जो रास्ता है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है कि अब उसको जोड़ा जाएगा एक रोप वे से, एक ऐसी रस्सी होगी यहाँ पे इस तरीके से होगा, वो इस तरीके से क्रॉस करते हुए जाएगा। अब ये करीबन सिर्फ 14 मिनट लगेंगे इसको क्रॉस करने में। एलिफेंटा केव्स की अगर हम बात करें तो ये भगवान शिव से जुड़ा हुआ है और यूनेस्को की लिस्ट के अंदर भी आता है, सबसे बड़ी चीज़, ठीक है। एलिफेंटा केव्स जो है ये एलिफेंटा आइलैंड के ऊपर है, जो कि कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। ये बात समझ में आ गई सबको, यहाँ तक क्लियर है, कोई डाउट? ओके, यहाँ पे टीवी पे देखा था, बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे अगर किसी कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बोलते जाना। दूसरा देखो, अजंता केव्स की बात करें तो ये भी यूनेस्को की लिस्ट के अंदर आती है। भीमबेटका केव की बात करें तो ये भी यूनेस्को के अंदर आती है। भीमबेटका कहाँ पर है, ये है कहाँ पर, एमपी में। ओके, तो यहाँ तक ये मैंने आपको बता दिया इसके बारे में, ये आपको ध्यान रखना है, ये भी हेरिटेज साइट है और ये भी यूनेस्को के लिए हेरिटेज साइट है। नेक्स्ट यहाँ पर है, नेहरू बोट रेस इज रिलेटेड टू विच इंडियन स्टेट। नेहरू बोट रेस जो है वो कौन से राज्य से जुड़ी हुई है, केरला, तमिलनाडु, आंध्रा, मणिपुर और मेघालय। आंसर क्या होगा, केरला। अब देखो ये न्यूज में क्यों है, इसलिए न्यूज में है क्योंकि इसको यहाँ पर रोक दिया गया है, यानी कि केरला में बहुत ज्यादा बाढ़ आई हुई है तो यहाँ पे जो बोट रेस होनी थी इसको बंद कर दिया गया है, अब ये ऑर्गेनाइज नहीं होगी। कब मनाई जाती है, अगस्त के अंदर जो दूसरा सैटरडे आता है ना उस दिन इसको सेलिब्रेट किया जाता है। दूसरी चीज, आप लोगों ने मूवी देखी ना बागी 2, सबने देखी है। बागी 2 में आपने देखा होगा कि एक बोट रेस होती है, लंबी सी बोट होती है, उसका स्ट्रक्चर जो है वो स्नेक की तरीके से होता है, सांप की तरीके से, उसी को बोलते हैं यहाँ पे नेहरू बोट रेस। तो वहां पर आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि कहाँ पर ये ऑर्गेनाइज की जाती है, तो वेम्बनंद झील जो है केरला के अंदर, वहां पे इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है। और वेम्बनंद की अगर हम बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा कि ये इंडिया की लॉन्गेस्ट लेक है, मतलब सबसे लंबी जो भारत की लेक है वो कौन सी है, यहाँ पर वेम्बनंद है। यहाँ तक बात समझ में आ गई, यहाँ तक किसी को कोई डाउट? अब आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि कौन सा वाला यहाँ पर फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है। अभी मैंने पूछा था ना ओनम कहाँ पर है, पोंगल, ये सब बताया आपको, तो ये आपको ध्यान रखना है, राइट। तो ये इस बार नहीं होने जा रही, ऐसा दूसरी बार हो रहा है कि इसको यहाँ पे स्थगित कर दिया गया। तो ये सब चीजें थी। अब एक आखिरी चीज जो कि ये आपके लिए है क्वेश्चन ऑफ द डे,
आज आपको यहाँ पे एक सवाल देखने को मिल रहा है, बेयर शीट स्पेस क्राफ्ट इज रिलेटेड टू। यहाँ पे एक स्पेस क्राफ्ट है, आपको बताना है कि जो बेयर शीट स्पेस क्राफ्ट है ये यहाँ पे इनमें से किससे जुड़ा हुआ है। और जब आंसर करोगे, आंसर डिटेल में आना चाहिए कि बेयर शीट कौन सी कंट्री का है, इनमें से कहाँ पे गया हुआ है। अब जैसे मान लो आपने बोला कि ये मर्क्यूरी पे गया है, तो यहाँ पे सैटर्न पे कौन सा है, मार्स पे कौन सा है, ये भी आपको बताना पड़ेगा। ठीक, ये आपके लिए क्वेश्चन ऑफ द डे है, इसका आंसर आना चाहिए कमेंट सेक्शन में। ऐसा ना हो कि आंसर ही ना करो कि मैम आएंगी, मैम तब बताएंगी, और इसका आंसर हम लोग अगले वाले सेशन में डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, यहाँ तक कोई डाउट, किसी को सारी चीजें समझ में आ गई? तो अब जरा सेशन को खत्म करने से पहले थोड़ी चीजें बता दें। कल है इंडिपेंडेंस डे और साथ में यहाँ पे रक्षाबंधन भी है, तो हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल। अब यहाँ पे प्लीज इसको दिल पे मत ले लेना कि बुरा लग जाए कि मैम ने रक्षाबंधन विश कर दिया है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है सेल, जो कि होगी यहाँ पर IBPS PO के लिए और IBPS क्लेरिकल। ठीक है, इन दोनों के लिए जो पैकेजेस हैं, जो 799 और 599 में। दूसरी बिग जो 3 अनाउंसमेंट होने जा रहे हैं सुबह के 10 बजे, बिल्कुल अपना फोन जो है उसको लाइव करके बैठ जाइएगा या लैपटॉप पे लाइव होके बैठ जाइएगा कि यहाँ पे कौन से नए अनाउंसमेंट देखने को मिलेंगे, जहां पर आपकी इंग्लिश गुरु आपके साथ जुड़ेंगी। तो वो अनाउंसमेंट्स क्या होंगे, बी प्रिपेयर, कुछ तो अच्छा हो गई होगा। तो आप फटाफट से पहले मुझे ये बता दो सेशन कैसा था, क्योंकि आप लोगों का रहता है ना मैम आप रिव्यू लिया करिए, तो प्लीज सेशन कैसा था फटाफट से जरा कमेंट सेक्शन में बताते जाओ। थैंक यू सो मच, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू मैम, थैंक यू, थैंक यू। ओके, सबके कमेंट्स आना शुरू हो गए, तो उम्मीद करते हैं सेशन आपको अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छा लगेगा तो आपको क्या करना है, सेशन को लाइक करना है, कमेंट करना है अगर कोई भी इशू होता है, और एट लास्ट क्या करना है, इसको शेयर तो करना बनता है ना। तो हमारे साथ में इस सेशन में बने रहने के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे एंड हैप्पी इंडिपेंडेंस।